राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कोठरी भट्टी कांड जो बहुत ज्यादा चर्चित मामला रहा है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया जाता है, उसके बाद उसको जिंदा कोयले की भट्टी में जला दिया जाता है। लेकिन इस मामले में अब आखिरकार पॉक्सो कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। जिन लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिन पर दोष सिद्ध किया गया था, उन दोनों ही आरोपी कालू और कान्हा को इस पूरे मामले में फांसी की सजा अब कोर्ट की ओर से सुना दी गई है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी भट्टी कांड के दरिंदों को उनके गुनाहों की सजा मिल गई। भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने दोनों अभियुक्तों कालू और कान्हा को फांसी की सजा सुनाई। पुलिस ने इस केस में 9 लोगों को आरोपी बनाया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 2 दिन पहले कालू और कान्हा को दोषी करार दिया था। इस पूरे मामले में 2 अगस्त 2023 को एक बालिका खेत पर बकरियां चराने गई थी। उसी दौरान वहां पर टपरिया बनाकर रहने वाले 2 युवक कालू और कान्हा ने उससे गैंगरेप किया। इसके बाद उसे कोयले की भट्टी में डालकर जिंदा ही जला दिया था। बालिका की खोजबीन के दौरान पुलिस को कोयले की भट्टी से बालिका का अजला शव मिला था। कोर्ट ने इस केस में कालू और कान्हा को दोषी माना है। कोर्ट ने इस केस के 7 आरोपियों को बरी कर दिया। बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील किए जाने की बात कही जा रही है। 3 अगस्त को ये मामला आते ही कोटड़ी समेत भीलवाड़ा में बवाल मच गया था। बाद में पूरे प्रदेश में इस केस को लेकर आक्रोश फैल गया। विधानसभा में भी इस केस को लेकर जमकर बवाल हुआ था। बाद में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर कार्रवाई की और आरोपियों को उठाना शुरू कर दिया। पुलिस ने केस की तेजी से जांच कर आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। कोर्ट ने केस की डे टू डे सुनवाई कर 10 महीने बाद अपना फैसला सुना दिया है। पॉक्सो कोर्ट में केस का फैसला सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। केस की गंभीरता को देखते हुए पूरे कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। भारी संख्या में पुलिस फोर्स के बीच दोनों अभियुक्तों को कोर्ट में लाया गया और कोर्ट में सुनवाई के बाद दोनों ही अभियुक्तों कालू और कान्हा को फांसी की सजा पॉक्सो कोर्ट की ओर से सुनाई गई। कहते हैं भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और यही बात आज सच साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पॉक्सो कोर्ट की ओर से उन दोनों ही आरोपियों को फांसी की सजा अब सुना दी गई है। कान्हा और कालू इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी, हालांकि कोर्ट की ओर से 9 लोगों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया था, जिसमें 7 को बरी कर दिया गया, लेकिन जो 2 आरोपी हैं, जो 2 मुख्य आरोपी हैं, उन दोनों को फांसी की सजा अब सुना दी गई है। कहीं ना कहीं अब कहा जा सकता है कि परिजनों को भी न्याय मिला है, और उस नाबालिग बच्ची जिसके साथ ये हैवानियत बरती गई थी, उसको भी आज आखिरकार न्याय मिल गया है। इस पूरे मामले पर कोर्ट का फैसला जो आया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं।